हेलो गाइस, वेलकम टू आर स्टूडियो चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की पहली वीडियो के साथ। तो गाइस, स्टॉक के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस स्टॉक के अंदर मुझे इस महीने या इसके अगले महीने तक लगता है आपको 20% से 25% तक का रिटर्न इजीली आपको ये स्टॉक दे सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, मार्केट में भी हाल फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। गिरावट में क्या करना है इसके लेके भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल से प्लीज जुड़े रहिए। तो मैं आज जिस स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है डिलीवरी। जी हाँ, उस स्टॉक का नाम डिलीवरी है। और आइए मैं आपको इसके कुछ टेक्निकल आस्पेक्ट जो दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डिलीवरी का चार्ट है, और इस चार्ट के अंदर आप क्या देख रहे हैं, इसका आईपीओ आया था 450 के ऊपर, ये खुला था और उसके ऊपर जाते ही 700 रुपए के ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद इस स्टॉक ने सीधा लो लगा दिया 300 रुपए का, 294 के अराउंड आप देख सकते हैं। और जैसे ही इसने लो लगाया उस स्टॉक ने एक रैली दी 300 रुपए से 450 रुपए की। और 450 रुपए रैली के बाद आज इसमें हो क्या रहा है जो मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आप। इस स्टॉक के अंदर जो आज चीज सबसे अच्छी हो रही है, इस स्टॉक ने 400 रुपए रैली के बाद दोबारा से एक डाउन ट्रेंड चालू करा, और वो डाउन ट्रेंड को लेके गया 350 के आसपास। लेकिन 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 जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लेवल का 400 रुपए का जो लेवल था ना, अगर आप नोटिस करेंगे, इसको तोड़ के ये वापस ऊपर गया और यहाँ से तोड़ के वापस नीचे गया। तो अगर इसको 400 रुपए का लेवल तोड़ना होता तो ये यहाँ पे ऊपर जाता ही नहीं, ये यहीं से वापस गिर जाता, ये अपना नया लो लगाता। लेकिन आज इसमें हुआ क्या है, उसने अपना लो ना लगा के ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, और जो मुझे लगता है दे देगा, क्योंकि आज इसमें वॉल्यूम भी अच्छी आ रही है और कैंडल आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी बन रही है। तो मेरा जो व्यू डिलीवरी स्टॉक में है, मैं आपको इसमें बाय की रेटिंग देना चाहूंगा। बाकी आप अपना एनालिसिस भी खुद कर लीजिएगा। और मुझे यहाँ से इजिली 450 रुपए और 500 रुपए के टारगेट दिखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। मैं आपको इसके 450 रुपए के टारगेट देना चाहूंगा। इसी के साथ मैं आपको जो एक बहुत ही जरूरी बात है बताना चाहूंगा, अच्छी खासी एफआईआई ने इसके अंदर 65.60% की बाइंग कर रखी है। इसमें प्रमोटर नहीं है इस कंपनी में, लेकिन आप सोच के देखिए, एफआईआई ने 65.50% की बाइंग कर रखी है, जिसमें एसबीएफ, डोरबेल आते हैं, इसमें नेक्सिस वेंचर आते हैं, कनाडा पेंशन के एक ईटीएफ है वो भी चल रहा है, इंटरनेट फंड के नाम से आते हैं, उनके नाम से भी है, इसमें अल्फा वेव के मालिक है वो भी आते हैं। और वही मैं आपको डीआईआई की बात करूं, अच्छी खासी डीआईआई के आप नाम अच्छी तरह जानते हैं, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड आता है इसमें, और कहीं ना कहीं एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी भी आती है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आती है। तो काफी ज्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। तो मेरी इसमें डिलीवरी में बाइंग की रेटिंग है, बाकी आप अपना करना। के अंदर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी और एमके ग्लोबल ने 500 रुपए के टारगेट इस स्टॉक के अंदर दे रखे हैं। और अगर आपको इसके अंदर एसएल लगाना है, जो मैं चाहता हूं आप ना लगाओ, फिर भी अगर आपको जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो निकलना चाहते हैं, तो वो 390 के नीचे स्टॉक के अंदर निकल सकते हैं और इसको 410 411 रुपए के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।